छपरा के गड़खा में पथ निर्माण विभाग द्वारा पुल निर्माण कार्य में सांसद और विधायक के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। दरअसल गड़खा में 4 मार्च को जिस पुल का शिलान्यास कर स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने 4 वर्षों का प्रयास बताया है, वो आज 9 दिनों बाद फिर उसी पुल निर्माण का नौ उद्घाटन और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व गड़खा विधायक सुरेंद्र राम ने किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय सांसद पर जबरन श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि ब्रिटिश काल के पुल की जगह नए पुल निर्माण के लिए उन्होंने लगातार प्रयास करते हुए इसे कैबिनेट के पास करवाया था ताकि गड़खा बाजार को भीड़ से मुक्ति मिल सके, जिसे स्थानीय सांसद ने जल्दबाजी में शिलान्यास कर इसका श्रेय लेने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मैं दलित का बेटा हूं, इसलिए मेरे द्वारा किए गए कार्यों पर मुझे दबाने का ऐसा किया जा रहा है, लेकिन अब दलितों की आवाज किसी के दबाने से नहीं दबेगी। उसका साक्ष है, उसका साक्ष हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने लेटर पैड पर देने का कार्य किया है। क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, आप देखे होंगे कि आप जो है ना देखिएगा तो उस पर स्पष्ट आ जाएगा कि कैबिनेट की बैठक में हम लोगों ने उसको पारित किया। उस वक्त जो है ना महागठबंधन की देख लीजिए, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसमें हमने अमृतलाल मीना उस वक्त के अपर मुख्य सचिव थे इस विभाग के, ग्रामीण पथ निर्माण विभाग के, उस वक्त हमने ये लिखा हुआ है। वो 34 नंबर जो है ना, आप देखेंगे कि 34 पत्रांक 34 और दिनांक जो है 17/4/2021 को पत्रांक संख्या 34 में हम लोगों ने लिख करके अनुरोध किए थे, और उस अनुरोध के आधार पर ये हमारा जो सरकार जब बना और सरकार में हमारे पथ निर्माण विभाग के जब मंत्री बने तेजस्वी बाबू, तो उन्होंने गड़खा विधानसभा के वासियों का अनुरोध और मेरा अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसको जो है पुल को स्वीकृति देने का और कैबिनेट से स्वीकृति मिला, और उस कैबिनेट के बैठक में खुद हम लोग थे, और हमने आदरणीय तेजस्वी बाबू और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को गड़खा विधानसभा के वासियों के तरफ से हमने धन्यवाद भी देने का कार्य किया। सांसद महोदय के द्वारा किया गया शिलान्यास को आपकी ये तो एक क्या कहा जाए, चूंकि काम करने वाले लोग तो नहीं हैं, तो ये जो है ना हम लोगों का एक दलित है, दलित वर्ग से आते हैं, और हमने इस कार्य को करने का हमने काम किया, और जो है उसको वो श्रेय लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब दलितों की आवाज़ जो है आदरणीय लालू जी देने का कार्य किए, अब रूढ़ी जी के आवाज़ दबाने से हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है, रूढ़ी जी को दबाने से हम लोग दबने वाले नहीं हैं।